किसने तोड़ा, कौन है, ये तो अज्ञात है। जैसे ही रात को घटने का पता चला, हम लोग तुरंत थाने गए और FIR करवा दिया गया है और पुलिस अपने जांच में जुटी हुई है। आज हिंदू समाज ने वहाँ पे एकत्र करके अपना विरोध भी प्रदर्शन किया और हिंदू समाज ने 3 दिन का पुलिस को समय भी दिया है कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर ले उस राक्षस पिशाच उपद्रवियों को। अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा और नए मूर्ति का स्थापना भी किया गया वहाँ पे और खंडित मूर्ति जो हुआ था उसको विसर्जन करने के उपरांत वहाँ पे आज हिंदू समाज वहाँ से उठा है। और निश्चित रूप से अगर 3 दिन के अंदर प्रशासन ने अगर उन अपराधियों को नहीं पकड़ा तो ये रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में ये उग्र आंदोलन बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से उपद्रवी है, असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे देवी देवताओं से नफरत करते हैं, हमारे भगवानों से नफरत करते हैं। वहाँ घटनास्थल पे आप जब जाएंगे तो देखते हैं आप वहाँ पे कि मूर्ति को मारा गया है और मारने के बाद में उसको दूर फेंका गया है। मतलब कितना नफरत भरा होगा हिंदू देवी देवताओं भगवानों के ऊपर में उस आदमी का जिसने ये कृत्य किया है, आपको वहाँ का नज़ारा देखने से समझ में आ जाता। बहुत ही बेकार तरीके से मूर्ति को तोड़ा गया है, उसके बाद उसको फेंका गया, मूर्ति को फेंका गया, हनुमान जी की मूर्ति को। ये जो घटना है सामान्य घटना नहीं है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पे हमला है। चाहे वो कोई भी हो, वो किसी मतपंथ को मानने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, वो अपराधी है और वो नर पिशाच है, वो राक्षस है, उसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों का गिरफ्तार होना ज़रूरी है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करें। अगर 3 कार्य दिवस के अंदर पुलिस प्रशासन अगर उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए।